पूर्णिया पुलिस की गिरफ्त में आए शख्स है महेश पांडे, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इसी ने दुबई के नंबर से कॉल कर पप्पू यादव को धमकी दी थी। पप्पू यादव को धमकी मिलने के बाद से ही पुलिस लगातार इस मामले में तफ्तीश कर रही थी, और इसी कड़ी में दिल्ली का रहने वाला महेश पांडे पुलिस के रडार में आया और दिल्ली से ही महेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं है। कोई लॉरेंस बिश्नोई हो रहा तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई एफएनएल नहीं आया बिश्नोई का ग्राउंड पे। तो डीपी लॉरेंस बिश्नोई का लगा नहीं, नहीं ये डीपी का लगा थी, ये उनको फोटो के द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। आरोपी महेश एम्स दिल्ली और रक्षा मंत्रालय की कैंटीन में काम कर चुका है। वो कई संस्थाओं के सहयोगियों को जानता है। पुलिस उससे हर एंगल से पूछताछ कर रही है। आरोपी ने बताया कि उसकी बहन दुबई में रहती है और उसी के जरिए उसने दुबई से सिम हासिल किया था, जिसका धमकी देने में इस्तेमाल किया। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव को फोन कॉल पर किसी ने धमकी दी थी, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा था। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.